नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की हमायत याफ्ता जालम मलेशिया नाम निहाद विलेज डिफेंस कमेटियों VDCS या देही दफाई कमेटियों को बहाल और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। भारत की जानिब से ये ऐलान जो है वो कश्मीर के अंदर अमन को ख़तरे में डालना है। भारतीय वज़ीर दाखला अमित शाह ने मंगल को ऐलान किया था कि तमाम VDCs को बहाल किया जाएगा और ज़रूरत के मुताबिक मजीद कमेटियां कायम की जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि इन कमेटियों के तमाम मेंबरान जो हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। हिंदुओं पर मुश्तमिल VDCs बुनियादी तौर पर जम्मू के इलाके में मौजूद हैं और इन्हें पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर फैलाया जाएगा। अमित शाह ने नई दिल्ली में BJP रहनुमाओं और VDC मेंबरान के साथ एक मुलाकात में कहा कि दही दफाई कमेटियों को अब विलेज डिफेंस ग्रुप्स VDGS और इनके मेंबरान को विलेज डिफेंस ग्रुप गार्ड्स VDGGS कहा जाएगा। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अमित शाह ने वफद को यकीन दिलाया कि वजारत जल्द ही VDCS का नाम तब्दील करके VDGS के नाम से बहाल करने का हुक्म जारी करेगी और तमाम इमरान को हुकूमत की तरफ से आजाजिया भी दिया जाएगा। हर VDG के 8 से 10 अरकान होंगे और इन सब का दर्जा बराबर होगा। अमित शाह ने वफद को यकीन दिलाया कि उन्हें हुकूमत की तरफ से हर माह मुसावी मुआवजा दिया जाएगा जो बराह रास्त इनके खातों में जाएगा। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि VDC मेंबरान जम्मू में बड़ी तादाद में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्वस हैं। भारत इस साजिश पर गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और उसके बाद की सूरत हाल के को मद्देनजर रखते हुए वो अपने मजमूम मकासद की तरफ बढ़ रहा है और ये तमाम मनसूबाबंदी इसे इसराइल ने मुहैया की थी और अब भारत जो है इस खतरनाक मनसूबे को शुरू करने जा रहा है और यूँ भारत जो है वो अपने इन हिंदू गार्ड्स के जरिए मकबूजा कश्मीर में मासूम जो कश्मीरी हैं उनका कत्लेआम करेगा और वहाँ पर हिंदू आबादी को ज़बरदस्ती बसाने की कोशिश करेगा। अक्वामे आलम ने अगर इस अहम इशू पर तवज्जो ना दी तो मुस्तकबिल में किसी बड़े खून खराबे को जो है वो टाला नहीं जा सकेगा और यूं एशिया का जो खित्ता है उसमें एक नई जंग छिड़ने का इम्कान है। तो नाज़रीन, आलमी दुनिया की खामोशी भारत को मज़ीद कश्मीरियों पर मुख्तलिफ अंदाज में ज़ुल्म व सितम करने और उनसे हक़ खुद इरादियत छीनने के लिए मज़ीद जो रास्ते हैं वो फराहम कर रहा है और भारत जो है वो आलमी दुनिया की इस बेइज्जती की वजह से कश्मीरियों के खिलाफ अपनी मजमू मनसूबाबंदी जारी किए हुए है और कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम करने के लिए जितनी भी साजिशें जितनी भी मनसूबाबंदियाँ कर सकता है वो कर रहा है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है।